आलिया भट्ट और रणबीर कपूर क्या बॉलीवुड के नए लव बर्ड्स हैं? बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में इन दिनों यही सबसे जोरदार चर्चा है। वे ऐसे दिनों में एक दूसरे के करीब आए हैं, जब दोनों सिंगल हैं और अपने टूटे दिलों के दर्द को सहला रहे हैं। दोनों सितारे पहली बार एक साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में काम करने जा रहे हैं और फिल्मी दुनिया में एक्टर्स के एक दूसरे की जिंदगी में आने का इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं माना जाता। निर्देशक अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र 3 कड़ियों में बनने जा रही है और तय है कि आलिया रणबीर को लंबे समय तक साथ रहने का मौका मिलेगा। वैसे रणबीर आलिया भले ही दूसरे लोगों के साथ प्रेम संबंधों में रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के संग वे हमेशा गर्मजोशी से मिले। रोचक बात है कि 2012 में अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के दिनों में ही आलिया ने यह कहने में हिचक नहीं दिखाई थी कि वे हमेशा रणबीर को पसंद करती रही हैं। आलिया ने कहा था, मेरा दिल सदा रणबीर पर फिदा था और आगे भी फिदा रहेगा। उधर कैटरीना से जनवरी 2016 में रणबीर के ब्रेकअप के दौरान गॉसिप गलियारों में फुसफुसाहट थी कि क्या रिश्ता टूटने की वजह आलिया भट्ट हैं। हालांकि तब हर तरफ से इस बात का खंडन आया था। रणबीर की एक्स के साथ आलिया के हैं गहरे रिश्ते। इंडस्ट्री में हो रही चर्चाओं के अनुसार रणबीर आलिया के नए समीकरणों के बाद कैटरीना आलिया की दोस्ती कैसे आगे बढ़ेगी देखना होगा। वजह यह कि कैटरीना आलिया दोनों साथ में जिम करती हैं और उनकी इंस्ट्रक्टर भी एक ही है। एक दौर ऐसा भी था कि बार बार देखो 2016 की शूटिंग के दौरान आलिया के एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना के बीच रोमांस की चर्चाएं थीं। तब आलिया ने उन्हें नजरअंदाज किया था। इस वजह से आलिया ने किया ब्रेकअप। सिद्धार्थ रंगीन मिजाज माने जाते हैं और आलिया से रिलेशनशिप के दौरान उनका कुछ अभिनेत्रियों से नाम जोड़ा। सिद्धार्थ आलिया के ब्रेकअप की इसे बड़ी वजह माना जाता है। खैर, पिछले साल नवंबर में सिद्धार्थ आलिया अपने रिश्ते को गुमनाम मोड़ पर छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। इससे सिद्धार्थ को आलिया रणबीर को लेकर कोई समस्या होगी, इसमें संदेह है। ब्रह्मास्त्र की शूटिंग अगले महीने शुरू होनी है। फिल्म अगस्त 2019 में रिलीज होगी। तय है कि तब तक गॉसिप गलियारों में यह गूंज बनी रहेगी। कितना हेल्दी है यह ट्रेंड। शाहरुख खान ने फिल्म डियर जिंदगी में आलिया भट्ट को समझाते हुए कहा था, जब कुर्सियां खरीदने से पहले हम 10 कुर्सियां ट्राई करते हैं तो फिर लाइफ पार्टनर चुनते वक्त हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। भले ही बात फिल्म में कही गई थी, लेकिन असलियत में भी इसे आत्मसात करने में कोई हर्ज नहीं। सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, आम लोगों को भी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले जितना हो सकते लोगों को डेट करना चाहिए, ताकि जब वे शादी करें तो खुद पर इतना भरोसा हो कि उन्होंने जो फैसला लिया वह काफी सोच समझ कर लिया।